ते हुण गल करांगे ठंड दे कहर दी, क्योंकि इस वेले पूरा उत्तर भारत इस ठंड दी चपेट दे विच है। जम्मू कश्मीर तो लैके लद्दाख तक, हिमाचल तो लैके लगातार मैदानी इलाकों तक मीह पै रहे ने। इस दे नाल ही हरियाणा ते पंजाब दे तापमान दे विच जो गिरावट दर्ज की गई है, वह भी किस तो लुकया नहीं है। मौसम विभाग ने वैस्टर्न डिस्टर्बेंस दे चलदे आ पछमी हिमाचली तमाम खेतरां दे विच मीह ते बर्फबारी की संभावना जताई है। तो उत्तर पछमी भाग दे विच 24 दिसंबर नूं अगला वैस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का खदशा भी प्रगटाया गया। मीह दे नाल नाल बर्फबारी ते मैदानी इलाकों दे विच उस दे चलदे आ लुढ़कदा पारा लगातार असी देख भी पा रहे हां, महसूस भी कर पा रहे हां। खास तौर ते कड़ाके की ठंड उत्तर भारत दे विच इस वेले महसूस की जा रही है। हालांकि कुछ लोग इसका आनंद भी जरूर लेंदे ने, ते कईयां दे लई जी दा जंजाल बन गई है ठंड। हालांकि कई लोग इस ठंड तो राहत पाउण दे लई वक्खो वक्ख वसीले भी करदे ने, कदे चाह दीआं चुस्कियां दे नाल, कदे अंगीठी बाल के वक्खो वक्ख राह अपनाए जांदे ने। कोशिश करिए कि इस ठंड तो जिन्ना बच के रहीए उन्ना साडे लई फायदेमंद है, क्योंकि आने वाले दिनों दे विच ठंड होर ज़्यादा वध सकती है। वैस्टर्न डिस्टर्बेंस एक वड्डा कारण इस दे पिछे दा दस्या जा रहा है, ते पहाड़ी इलाकों दे विच लगातार हो रही बर्फबारी भी इसका एक वड्डा कारण मनी जा रही है। इसे ते रुक करांगे साडे सहयोगी संदीप दा, जो कि मनाली तो साडे नाल जुड़ चुके ने, ते क्योंकि मनाली तो जुड़े ने, पहाड़ां दी नगरी है, ते इस वेले किदां दा उत्थे माहौल है, की तस्वीर बनी हुई है, किस तरह बर्फ दी चादर नजर आउंदी है, या फिर धुप्प दी लश्कोर भी किते किते दिखदी है, जाण लैंदे आ। संदीप, पहाड़ी इलाकों दे विचों ही ओरिजन हो रहा है जो उत्तर भारत दे विच ठंड जो वधदी जा रही है, वैस्टर्न डिस्टर्बेंस दे संकेत फिर तो दिते जा रहे ने, फिलहाल जनहित दे विच जारी कोई अजिही इनफॉर्मेशन, कोई जानकारी? अमृता, देखिए मौसम विभाग ने जो है वो फॉरकास्ट जारी कर दी है। हालांकि ये जताया है कि इस साल के अंत तक जो है वो दो बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हिमाचल प्रदेश में दाखिल होगा, लेकिन आज से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दाखिल होना था, लेकिन अभी जो अगर मौसम की मौजूदा तस्वीर की अगर बात करें तो जरूर कोशिश जरूर करेंगे दिखाने की कि किस तरीके से मौसम जो है यहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल अभी जो है वो नीला आसमान है, मौसम बिल्कुल साफ है जितने भी तमाम ऊंचाई वाले इलाके हैं, और कहीं ना कहीं ऊंचाई पर जो है रोहतांग दर्रे के आसपास के इलाकों में जो है वो बर्फ की सफेद चादर जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। ठंड लगातार बनी हुई है, क्योंकि टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो मनाली में इस वक्त टेम्परेचर 0.8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, तो आप जाहिर तौर पर अंदाजा लगा सकती हैं कि ठंड कितनी ज्यादा होगी। और मिनिमम टेम्परेचर पूरे प्रदेश में मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो -6.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो लाहौल स्पीति का केलोंग बना हुआ है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर टेम्परेचर इससे भी जो है वो नीचे चल रहा है, तो ठंड की जो ये लहर है अभी लोगों को और परेशान करेगी, क्योंकि विंटर सेशन का लगभग 70 से 80 दिन अभी बचा हुआ है, क्योंकि बर्फबारी का दौर जो है वो जनवरी से फरवरी महीने तक जो है प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में, मनाली हो, लाहौल स्पीति हो, चंबा हो, शिमला हो या किन्नौर हो, वहां पर जारी रहता है। हालांकि जो है वो सैलानियों के लिहाज से जो है वो ये मौसम काफी खुशनुमा है, क्योंकि बड़ी तादाद में सैलानी लगातार हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। मनाली में जो है बड़ी तादाद इस बार पहुंची है, और अगर रोड डिस्टर्बेंस की अगर मैं बात करूं तो लाहौल स्पीति के ही लगभग 30 से ज्यादा ऐसी लिंक रोड्स हैं जो प्रभावित बने हुए हैं, और दूसरी तरफ अगर नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं, नेशनल हाईवे नंबर 03 जो मनाली से ले को जोड़ता है, वो भी जो है वो ले से मनाली की कनेक्टिविटी जो है वो पहले ही बंद हो चुकी है। हालांकि लाहौल तक जो है वो सड़क अभी फिलहाल खुली हुई है, लेकिन कंडीशनल प्रशासन लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो एडवाइजरी लगातार जारी कर रहा है कि किस समय वाहन चलाना है और किस तरीके के वाहन का प्रयोग करना है, तो ऐसी लाजमी है कि ये तमाम एहतियात बरते जाएं। फिलहाल रुक करेंगे पहाड़ों की रानी शिमला का, वहां से समीक्षा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और समीक्षा जे गल की जाए इस समय की, इस मौसम की, तो खास तौर पर सैलानियों के लिए शिमला एक डेस्टिनेशन होया करदे, पहाड़ी इलाका भी है, मैदानी इलाकों तो ज्यादा दूर भी नहीं है, इस करके वड्डी गिणती दे विच लोग पहुंचते हैं, भावें फिर वह क्रिसमस ईव की गल होवे, न्यू ईयर ईव की गल होवे। फिलहाल शिमला दे विच किस तरह तमाम माहौल ते तैयारियां?
बिल्कुल, देखिए राजधानी शिमला इन दिनों सैलानियों से बिल्कुल गुलजार हो गई है। जैसे ही मौसम करवट बदलता है उसके बाद सैलानियों की आवाजाही शिमला की ओर ज्यादा रुक करती है, लेकिन जितने भी सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं उनका यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ही बर्फबारी होती है, मौसम खराब होता है, उसके बाद जो है वो नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। फिलहाल सुबह की पहली तस्वीर पहाड़ों की रानी शिमला की आपको दिखा देते हैं। बेहद ही खूबसूरत नजारा जो है वो ये देखने को मिलता है राजधानी शिमला का, और सैलानी अधिकतर संख्या में राजधानी शिमला का ये नजारा देखने के लिए दूर दराज से शिमला के लिए पहुंचते हैं। वहीं अगर सैलानियों की बात करें तो सैलानी हालांकि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए काफी ज्यादा संख्या में शिमला पहुंचते हैं, वहीं इस महीने दिसंबर की अगर बात करें तो राजधानी शिमला का रुख पहले हफ्ते से ही दिसंबर महीने के यहां पर कर रहे हैं। सैलानी भारी संख्या में राजधानी शिमला की ओर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक तो तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है और कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद सैलानियों के द्वारा जताई जा रही है कि जल्द ही मौसम करवट बदले। और जिस तरह से क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो क्रिसमस के लिए सैलानियों की अधिकतर उम्मीद ये रहती है कि जो सफेद चादर ओढ़े बर्फ की यहाँ पर नजारा जो है वो देखने को मिले। तो हालांकि इस बार अब तक मौसम विभाग की ओर से कोई भी चेतावनी अभी तक जारी नहीं की गई है, अलर्ट अभी जारी नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का।